हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों का जो काम है वो भी अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, मैंने नोट किया है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे डुप्लीकेट पार्ट्स हैं, अवेलेबल हैं, और ओरिजिनल पार्ट्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि ओरिजिनल पार्ट्स को पहचाना ही है कैसे। जो डुप्लीकेट पार्ट होते हैं वो गाड़ी की लाइफ को भी ख़राब करते हैं, गाड़ी की परफॉर्मेंस को भी ख़राब करते हैं, और साथ साथ जो टेक्नीशियन या वर्कशॉप उन पार्ट्स को यूज़ करती है उनका भी नाम ख़राब होता है। कस्टमर तो सीधा ही बोलता है जी गाड़ी से वहाँ से काम करवाया था, काम गाड़ी में नहीं हुआ, गाड़ी ख़राब हो गई। अभी ओरिजिनल और डुप्लीकेट के अंदर फ़र्क क्यों होता है और क्यों कंपनी ओरिजिनल पार्ट के लिए जोर लगाती है? देखिए, जो ओरिजिनल पार्ट्स होते हैं वो वही पार्ट होते हैं जो गाड़ी में फिट होकर आते हैं। आप देखेंगे किसी नई गाड़ी के अंदर आपके जो ओरिजिनल पार्ट फिट हो गए हैं और गाड़ी का आपने टाइम पर सर्विस कराया, टाइम पर मेंटेनेंस कराया, तो गाड़ी के अंदर आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। अच्छे से काम कराएंगे तो 4-5 साल 3-4 साल कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। लेकिन डुप्लीकेट पार्ट यदि एक बार लग गया तो वो क्या करेगा, खुद तो ख़राब होगा लेकिन दूसरे पार्ट्स को भी ख़राब कर देगा। अब इसलिए हमारे उनको इम्पॉर्टेंट बनता है, हमारे जो दोस्त हैं, टेक्नीशियन हैं, कस्टमर हैं, ग्राहक हैं और बाकी लोग हैं, उनको इस बात का पता होना चाहिए कि ओरिजिनल पार्ट को हम कैसे पहचाने और ओरिजिनल पार्ट के फ़ायदे क्या होते हैं। अभी मैं पियाजो कंपनी जो कि नंबर 1 3-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कार्गो में, पैसेंजर में, डीजल में, सीएनजी में और इलेक्ट्रिक में भी अपनी गाड़ियां बनाती है। मार्केट के अंदर लगभग 30-35 लाख से ज़्यादा गाड़ियां आज की डेट में पियाजो की चल रही हैं, तो उसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि इसको कैसे पहचाने। उससे पहले मैं पियाजो कंपनी के बारे में आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। पियाजो कंपनी 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, रोबोट और भी बहुत तरह के जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ वो बनाती है, जहाँ पर कस्टमर के घर तक, गली तक सामान पहुँच जाए या सवारी पहुँच जाए वैसे वाहन बनाती है। इटालियन टेक्नोलॉजी है, मजबूत गाड़ी है और हिंदुस्तान के अंदर आप जानते हैं आपको हर जगह 3-व्हीलर में पियाजो ही दिखाई देगा। तो मैं इसके विषय में बताना चाहता हूँ। देखिए, ये पियाजो कंपनी का एक पार्ट है जो कि एक प्रॉपर ट्रेकिंग पैकिंग में पैक किया गया एक डब्बा है। अब इसको पहचानना कैसे है? सबसे पहले इस पे POP लिखा है, पियाजो ओरिजिनल पार्ट। इसके अंदर आपको सेफ्टी, रिलायबिलिटी एंड लॉन्गर लाइफ गाड़ी के बारे में लिखा गया। इसकी पहचान के लिए यहाँ पे आपको रेड कलर में बाय जेन्युइन बी एश्योर्ड, यानी कि असली खरीदें और सुनिश्चित रहें, निश्चित रहें। साथ में यहाँ पे नीले रंग के अंदर आपको गाड़ी के निशान आपे, जो कि हमारा एक ब्रांड है एपे, वो उसका निशान है। और यहाँ पे लिखा है हमेशा ओरिजिनल पार्ट्स के लिए ही, ओरिजिनल पार्ट ही मांगें। तो POP, आप यदि पियाजो का POP मांगेंगे, POP बोलेंगे, तो समझिए कि आप ओरिजिनल मांग रहे हैं। और यदि POP लिखा है तो ओरिजिनल है। इसकी जो बाहर से जो पैकिंग है ये आपको ब्लू और रेड कलर में मिलेगी, 3-व्हीलर इसके ऊपर प्रिंट है, 3 पहिया प्रिंट है। पीछे से ये ऐसे लॉक है डब्बा और ये डिफरेंट पैकिंग में आता है, मैं सारी पैकिंग दिखाऊंगा आपको। ये सबसे पहले ये पियाजो की यहाँ पे सील लगी हुई है। ये इस सील का मतलब ये है कि ये यदि ये सील टूटी है, फटी है या ये सील नहीं है तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये कुछ गड़बड़ है, पहचानने का तरीका है। दूसरा, आप साइड पर देखेंगे इसको, इसमें साइड पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कैसे इसको पहचानना है उसके विषय में लिखा गया है। लुक फॉर हीट सेंसिटिविटी, चैनल इफेक्ट एंड माइक्रो टेक्स टू द इन द होलोग्राम, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है। और ये हमारे प्लांट का इसमें एड्रेस और फ़ोन नंबर, कस्टमर केयर नंबर भी दिया गया है। इस कस्टमर केयर के विषय में आप यहाँ से बात भी कर सकते हैं। इसके बाद इधर आते हैं हम, डब्बे की तरफ आते हैं। यहाँ देखिए, ये इसकी प्राइस टैग है पियाजो व्हीकल की। इसके अंदर आप देखेंगे, देख पा रहे हैं तो ये देखिए पार्ट नंबर है, पार्ट का नाम क्या है, क्वांटिटी कितनी है, कब पैक हुआ था, अगस्त 2022 का, यानी कि पिछले महीने का है, अभी सितंबर चल रहा है। MRP लिखी है 869 और कैटेगरी लिखी है इसके अंदर। और उसके बाद ये देखेंगे जो होलोग्राम है यहाँ पे, देखिए ये इसको आप थोड़ा ऐसे हिलाएंगे तो ये आपको देखिए एक अलग कुछ चमकीला से दिखाई देगा और पियाजो लिखा दिखाई देगा। तो ये इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान है, इसको हर कोई नहीं बना सकता, पियाजो कंपनी बनाती है अपने ग्राहकों के लिए ताकि उनको ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बीच में फ़र्क हो समझ सके। और आप डब्बे को, पैकिंग को आराम से देखिए, ध्यान से देखिएगा,
ये आपको दिखाई दे रहा होगा। पीछे से ये ऐसे यहाँ से बंद है। ये टोटल ओवरऑल मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखा रहा हूँ इसका, ठीक है। अब ये जो ओरिजिनल पार्ट है, ये ओरिजिनल पार्ट जब गाड़ी में लगेगा तो गाड़ी की जो परफॉर्मेंस होगी वो पहले जैसी नई जैसी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया डब्बे की पैकिंग। उसके बाद हम आते हैं छोटी पैकिंग, ये जो एक पॉलिथीन के अंदर पैकिंग है, ये एक स्विच थर्मल स्विच है जो कि इसके अंदर पैकिंग में है। सेम मैंने आपसे कहा था कि इसके ऊपर एक होलोग्राम होगा, ये देखिए चमकने वाला, ये मैं हिला रहा हूँ उसको, देखिए आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और वही छोटा पार्ट है तो इस पॉलिथीन में पैक किया गया है। यहाँ से विजिबिलिटी आप देख सकते हैं क्या चीज़ के अंदर, ताकि आपको पता चलेगा। और वही लाल नीला, ये लाल और ये नीली पैकिंग के अंदर, ये छोटी पैकिंग के अंदर है, ये बड़े पार्ट के लिए। इससे बड़े पार्ट भी आते हैं, जैसे इंजन का क्रैंक केस है, क्रैंक शाफ्ट है, या कुछ और दूसरे बड़े कंपोनेंट हैं, डोर्स हैं, या फिर शीशे हैं, ग्लासेस हैं, डैशबोर्ड है, मीटर है, या कुछ और कंपोनेंट, वायरिंग हार्नेस है। जो कंपोनेंट बहुत ही नाजुक होते हैं उनको पियाजो कंपनी बहुत अच्छे से पैक करके देती है, ताकि वो रस्ते में ख़राब ना हो या आपके स्टोरेज यार्ड स्टॉक यार्ड में ख़राब ना हो। उसके बाद हम देखते हैं एक दूसरी पैकिंग, ये देखिए। अब इसमें बहुत सारे पीस हैं, दो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पीसेज के अंदर। अब पाँच पीस की पैकिंग को बड़ा उसमें बनाया गया, सेम वही बड़ा बड़ा POP लिखा है। आपने POP पे ध्यान देना है, और बाय जेन्युइन बी अश्योर्ड लाल रंग से और नीले रंग से पैकिंग है। यहाँ पे अगेन सारे पार्ट पैकिंग है, और उन पार्ट को भी सेम उसी पैकिंग में पैक किया गया। अभी इसके अंदर यदि पाँच पीस हैं, देखिए एक दो तीन चार, और इसके नीचे चार पाँच, ये नीचे और पाँचवा, तो ये पाँच पीस हैं, इनकी भी सेम वही पैकिंग है। और इसके ऊपर देखिए होलोग्राम जो दिया गया, ये देखिए, इससे आप इसको पहचान सकते हैं। ये प्राइस टैग का स्टिकर लगा हुआ है आपके सामने, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा इसको, ये रंग बदलने वाला एक स्टिकर है। मैं आपकी भाषा में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिएगा, पियाजो एक लाइन, एक लहर सी ऐसे 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 बनी हुई है, ऐसे ऐसे। तो इस पार्ट का फ़ायदा क्या है, इससे इस पैकिंग का फ़ायदा क्या है कि आप इसे आसान से पहचान सकते हैं। देखिए नीला लाल एपे लिखा है, थ्री व्हील छपा हुआ है, और ये एपे, ये सर्विस निशान नंबर, ठीक है। कितना आसान है। और जब ये पैकेट फटेगा, अब देखिए ये पैकेट देना होगा किसी को, एक एक पीस करके निकलेगा, लेकिन इसके अंदर भी एक एक पीस को प्रॉपर तरीके से पैक किया गया। इसमें पांच क्वांटिटी पांच है, तो उसके ऊपर भी एक पीस का जो पार्ट वो लिखा हुआ है। क्रैंक शाफ्ट देखिए, मैंने पांच पीस कहे थे, एक दो तीन, और ये अंदर दो दिखाई दे रहे हैं, पाँच, टोटल पाँच पीस है, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हम केबल की बात करते हैं। अब ये केबल जो मार्केट में ऐसी खुली लोकल मिल जाती है, लेकिन ये हमारी पैकिंग के अंदर है। आप कभी भी किसी दुकान में बात करेंगे तो पियाजो की ओरिजिनल पार्ट्स की पैकिंग के लिए बात कीजिए। और ये भी सेम, कितनी बड़ी पैकिंग है देखिए, इसके मुकाबले देखिए कितनी बड़ी पैकिंग है, कितना फ़र्क है दोनों में। लेकिन इतनी बड़ी केबल को भी इसमें एक जो पियाजो की जो ब्रांडिंग वाली केबल है उसके अंदर पैकिंग अंदर पैक किया गया, और सेम वही लाल नीला, लाल नीला POP पियाजो ओरिजिनल पार्ट्स, पियाजो, पी फॉर पियाजो, ओ फॉर ओरिजिनल, पी फॉर पार्ट, पियाजो पॉप, तो पॉप के नाम से जाना जाता है। और ये इसका प्राइस टैग, और ये 750 होलोग्राम का स्टिकर। अब इसके अंदर जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट प्रॉपर तरीके से विजिबल है। पैकिंग को ऐसा बनाया गया है ताकि ये विजिबिलिटी इसकी बढ़े और कस्टमर देख सके कि वो क्या ले रहा है, उसको क्या सामान दिया जा रहा है। यदि ये सील यहाँ पे कटा फटा है तो आप समझ सकते हैं, बंद सील कर लीजिए और ये पूरी पैकिंग आपको ऐसे मिल जाएगी। तो मैंने कुछ आपके सामने एग्जांपल उदाहरण पेश करे हैं, ये सारे इनका मेरा ऑब्जेक्टिव एक था, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ओरिजिनल पार्ट को कैसे पहचानना है पियाजो के, और डुप्लीकेट पार्ट को कैसे फ़र्क को समझना है वो आप समझ सकें। ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। इन दोनों के डिफरेंस को आप जब तक नहीं समझेंगे, और डुप्लीकेट पार्ट्स को यूज़ करना करवाना स्टॉप नहीं करेंगे, कस्टमर को नहीं समझाएंगे, तो तब तक गाड़ी की जो लाइफ है वो अच्छी नहीं हो सकती। एक गाड़ी जो शोरूम से निकल के आती है, उसके बाद वो 4-5 साल तक कोई पैसा नहीं मांगती, गाड़ी अच्छी चलती है। अचानक से जब वो मार्केट में खुलनी शुरू होती है तो वो बार बार ख़राब होती है, हर 2 महीने में, हर 15 दिन में। उसका रीज़न एक ही होता है कि आप जो पार्ट यूज़ कर रहे हैं वो पार्ट सही नहीं है। ख़राब पार्ट जब भी गाड़ी में लगेगा,
तो वो दूसरे पार्ट को भी ख़राब करेगा, खुद तो ख़राब होगा वो जल्दी और वो दूसरे पार्ट्स को भी ख़राब होगा। और ये जितने पार्ट्स आप देख रहे हैं प्याजो के ओरिजिनल पार्ट्स, ये सभी पार्ट्स वो पार्ट हैं जो गाड़ी में फैक्ट्री से फिट हो गए थे, उन्हीं पार्ट्स को हम आपको देते हैं आगे, ओरिजिनल पार्ट्स। तो आप इसकी अहमियत को समझेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कभी भी हो आप प्याजो ओरिजिनल पार्ट्स ही मांगिए और कस्टमर को भी इंसिस्ट कीजिए, उसको समझाइए कि नकली पार्ट 2 रुपये आपके बचा सकता है, लेकिन वो 2 रुपये बचाने के चक्कर में आपको बाद में 20 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। एक तो जल्दी ख़राब होगा, दूसरा वो पार्ट जल्दी ख़राब होगा तो बदलना पड़ेगा, तीसरा जितनी बार बदलेंगे उतनी बार लेबर देनी पड़ेगी डुप्लीकेट पार्ट की जल्दी से, फोर्थ वो पार्ट खुद तो ख़राब होगा और दूसरे पार्ट को भी ख़राब कर देगा। जैसे हम ब्रेक शू की बात करते हैं, लोकल ब्रेक शू क्या करते हैं, वो ब्रेक शू जो व्हील का ड्रम होता है उस ड्रम को भी काटना शुरू कर देते हैं, खुद तो ख़राब हुई, खुद तो घिस ही रहे हैं, वो जल्दी घिस रहे हैं लेकिन वो ड्रम को काटना शुरू कर देंगे। अभी आपने 2 पैसे बचाने के लिए एक ब्रेक शू यूज़ किया लेकिन उसने ड्रम को काट दिया, तो आपने पहली बार जब ब्रेक शू बदला उसी लेबर दी, फिर बाद में जब आपने देखा कि अरे ड्रम भी ख़राब हो गया, तो अभी आपको वो सस्ते ब्रेक शू को भी नकली ब्रेक शू को बदलना पड़ेगा, साथ में नया ड्रम भी डालना पड़ेगा, फिर सेफ्टी से रिलेटेड मामला है। ऐसे ही बेयरिंग हैं, केबल्स हैं, आप जो केबल ब्रेक लीवर पे ऐसे क्लच केबल यूज़ करते हैं वो उसकी केबल की बात कर रहा हूँ, ऑयल सील्स हैं, दूसरे इंजन के पार्ट्स हैं, हेड है, वॉल्व है, पिस्टन है, बैरल पिस्टन किट है, क्रैंक केस है, बेयरिंग है, क्लच प्लेट्स हैं, क्लच हाउसिंग है, तो ये चीज़ें गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है उसको, लोकल चीज़ें नकली पार्ट नॉन जेन्युइन पार्ट्स गाड़ी की परफॉर्मेंस को डाउन करते हैं। बट वही आप कंपनी का क्लच प्लेट यूज़ करेंगे, कंपनी का प्रेशर प्लेट यूज़ करेंगे, कंपनी की केबल यूज़ करेंगे या कोई दूसरा कंपोनेंट यूज़ करते हैं, वो बैरिंग यूज़ करते हैं, ब्रेक शू यूज़ करते हैं, हब यूज़ करते हैं, कपलिंग यूज़ करते हैं, वो उनकी लाइफ ट्राइड एंड ट्रस्टेड होती है। ये सभी पार्ट्स बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में से इंस्पेक्शन में से गुजर के तब प्लांट में पहुँचते हैं और वही हाई क्वालिटी से गुजरे हुए अच्छी क्वालिटी के बने हुए पार्ट्स को ही कस्टमर को स्पेयर पार्ट के अंदर दिया जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरा आपको, मैंने जो आपको कुछ बताने की कोशिश करी छोटी सी, आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा और जितने भी मैकेनिक भाई हैं, ड्राइवर भाई हैं या जो भी कस्टमर हैं, वो भी इस बात को समझिएगा, इस फ़र्क को समझिएगा कि ओरिजिनल क्या होता है, पियाजू का ओरिजिनल पार्ट कैसे पहचानना है। मैंने बताया POP लाल और नीला कैसे है, कहाँ पर क्या होलोग्राम है, ये बताया आपको, और इसकी डुप्लीकेट पार्ट की परफॉर्मेंस कितना बड़ा नुकसान करती है गाड़ी में और आपकी रेपुटेशन पर भी, आपका जो काम है आप इतना मेहनत करते हैं उसको भी ख़राब करती है। कस्टमर ने सीधा ऐसे बोलना है कि ये गाड़ी यार यहाँ पे गए थे हमें अच्छा काम नहीं हुआ, वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने 2 पैसे बचाने के लिए नकली पार्ट यूज़ किया, वो ये बोलेगा नहीं नहीं मैं वहाँ गया था बस मज़ा नहीं आया। तो उम्मीद है मेरा जो संदेश आपको मिलेगा और आप समझेंगे इसको और आप प्याजो ओरिजिनल पार्ट को ही मार्केट में प्रमोट करेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।